कहां से आया रहस्यमय यंत्र? क्या है गुब्बारे का राज? कहां जाते हैं इसके सिग्नल? प्रशासन में मचा हड़कंप। यंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं, कहीं जासूसी का यंत्र तो नहीं? क्या ये सुरक्षा में सेंध है? क्या है खुफिया यंत्र का राज? स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में, मैं हूं आलोक सिंह। जौनपुर में ट्रांसमीटर लगा एक गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया है। ट्रांसमीटर पर मेड इन जर्मनी की मोहर लगी हुई है। इलाके के लोग भी किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। खबर फैलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रांसमीटर और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। वहीं खुफिया तंत्र पूरे मामले की जांच में जुटा है, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी यंत्र की हकीकत अब तक सामने नहीं आ पाई। सुरक्षा में सेंध, जौनपुर में मिला ट्रांसमीटर, क्या है इसका राज? जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के भोगीपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के लोगों को कटहल के एक पेड़ पर एक यंत्र लटका दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक गुब्बारा और पेड़ के ऊपर एक ट्रांसमीटर लटकता देख गांव के लोग सकते में आ गए। ट्रांसमीटर में दो एरियल लगे हैं जो किसी सिग्नल को कैच करने के लिए हैं। संदिग्ध माने जा रहे इस यंत्र को देखने के लिए कई गांव के लोग भी जमा हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कुछ मशीनें लगी हुई हैं, बैटरी लगी हुई है, इसमें वायरलेस भी लगे हुए थे, कुछ प्लास्टिक की पाइप एक ठो लगी हुई थी। और देखने से क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि कोई ये सूचना तंत्र के माध्यम से किसी देश ने, किसी मुल्क ने हमारे देश के कोई सूचना जानकारी करने के लिए इस तरह का उपकरण छोड़ा है। मैंने सर्वप्रथम सीओ को सूचना दिया, केराकत कोतवाल। सूचना पर पहुंची केराकत पुलिस ने यंत्र को कब्जे में लेकर आला अधिकारियों को खबर दी, जिसके बाद यंत्र की जांच शुरू हुई। पुलिस कप्तान ने मौसम विभाग समेत कई विभागों को फोन कर पड़ताल की कि कहीं यह यंत्र उनका तो नहीं है, लेकिन कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अब इस यंत्र की जांच जारी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। जो हमारी इंटेलिजेंस विंग है और इसमें हमारी फेल यूनिट है और जो जनपद का मौसम विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, ये सभी मिलके इसका जो है परीक्षण कर रहे हैं और ये जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस चीज से संबंधित गुब्बारा है और इसमें छानबीन से जो भी तथ्य आएंगे सामने उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। जौनपुर वाराणसी से लगा जिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ ही वाराणसी आतंकियों के निशाने पर भी रहा है। ऐसे में जौनपुर की सुरक्षा भी बेहद अहम हो जाती है। वहीं सवाल ये भी है कि कहीं ये संदिग्ध यंत्र किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब यंत्र की सच्चाई सामने आने के बाद ही मिल पाएगा। अजीत सिंह, जौनपुर, जी मीडिया। और अब बात करते हैं कातिल दहेज की। शादी अब भी एक सौदा बना हुआ है, सौदा आपकी बेटी की खुशियों का जो उसे ससुराल में मिलेगी। इसके लिए दहेज में एक बड़ी रकम फिक्स तक होती है, लेकिन अगर ये रकम कम हुई तो शुरू होता है टॉर्चर का सिलसिला जो खत्म होता है दुल्हन की मौत पर। गाजियाबाद में ठीक ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। पुलिस पर उन्हें शह देने के गंभीर आरोप लगे हैं। खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गाजियाबाद पुलिस के ऊपर दहेज हत्या के आरोपियों को बचाने के बेहद ही सनसनीखेज इल्जाम लगे हैं। मामला साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके का है। यहाँ रहने वाले भीम सिंह बिष्ट की बेटी मंजू की शादी गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में रहने वाले वीरेंद्र रावत से इसी साल 25 जनवरी को हुई थी। वीरेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन शादी के वक्त किए गए वादों को टूटने में देर नहीं लगी और 3 महीने बाद ही 17 अप्रैल को मंजू की मौत की खबर ने उसके घर वालों को हिलाकर रख दिया।
परिजनों के मुताबिक मंजू के ससुराल वाले शादी के बाद से लगातार एक बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं हुई तो उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मंजू के पिता ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आला अधिकारियों तक के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। मेरा दो दफे हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, इसलिए मम्मी की उसकी ऑलरेडी पहले हार्ट की वजह से डेथ हो गई है, तो इस वजह से वो थोड़ा भय करते थी कहीं ऐसा न हो कि मेरे पापा को भी कभी मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए उसने मेरे को कभी नहीं बताया कि उन्होंने पैसा लिया है, आला अफसरों ने उसमें पैसा ले रखा है और इसलिए उसको उनको पकड़ नहीं रहे। और पुलिस को ये भी पता है कि इस टाइम पर वो इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, स्टे के लिए गए हुए हैं और वहां फिर भी उन्हें पकड़ रहे। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी न हो पाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान लगा रही है। सवालों के घेरे में आई खाकी पर आरोपियों को शह देने का आरोप है। ऐसे में देखना होगा कि अपने दामन पर लगे दाग को क्या खाकी साफ कर पाएगी और क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि दहेज का दानव कहीं भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। ऐसे में जरूरत है इस पर लगाम लगाने की, जिसमें पुलिस की भूमिका सबसे बड़ी है। यादराम भारती, गाजियाबाद, जी मीडिया। बुलंदशहर में अवैध बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। जी संगम ने अवैध रूप से फैक्ट्री मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद SSP ने कार्रवाई करते हुए बीट इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और DM ने जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। जमींदोज मकान, बिखरा पड़ा मलबा, ये हाल उस फैक्ट्री का है जहां 1994 यानी 21 सालों से बिना लाइसेंस के पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे आतिशबाजी की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी, वो भी बिबियाना पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर। लेकिन पटाखा बनाने के दौरान हुए इस धमाके ने प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर सामने ला दी। धमाके में फैक्ट्री मालिक सगीर की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे और 2 महिला बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिहायशी इलाके में घर में चल रही इस फैक्ट्री की खबर प्रशासन को नहीं थी, या वो सब कुछ जानकर अनजान था। हालांकि जी संगम पर दिखाए जाने के बाद SSP ने कार्रवाई करते हुए बीट इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, जबकि DM ने पुलिस की भूमिका की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। लेकिन सवाल ये, आखिर कैसे पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चलता रहा और बारूद की ढेर पर लोग जीने को मजबूर रहे? सवाल कई हैं, जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। अमित शर्मा, जी मीडिया, बुलंदशहर। ललितपुर में एक सरकारी डॉक्टर से 9 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। बोनस के लालच में देकर डॉक्टर को जालसाज ने कैसे अपने इस पूरे जाल में फंसाया, देखिए इस रिपोर्ट में। बोनस के नाम पर ठगी, 15 लाख के चक्कर में गंवाए 9 लाख, ठगों के जाल में फंसा डॉक्टर, शहर शहर ठगी के ठेकेदार, कभी लोन, कभी लॉटरी, कभी नौकरी, कभी विदेश भेजने का झांसा और कभी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर फर्जीवाड़ा, अब शहर शहर आम हो चुका है। ताजा मामला सामने आया है ललितपुर से, जहां जिला अस्पताल के CMS भी ठगी के शिकार बन गए। एक जालसाज ने फोन पर बोनस का लालच देकर डॉक्टर से 9,20,000 रुपए ऐंठ लिए। दरअसल डॉक्टर RP सिंह की HDFC बैंक में इंश्योरेंस पॉलिसी है और जिस शख्स ने डॉक्टर को फोन किया था उसने भी बैंक का हवाला देते हुए 15 लाख के बोनस की बात कही और करीब 9 लाख अकाउंट में डलवाने को कहा। 15 लाख के लालच में आकर डॉक्टर ने पैसे जमा कर दिए। बताया कि आपका जो HDFC पॉलिसी है तो उसको मैं आपको बोनस मिलेगा 15 लाख रुपए, आप इसे इतना पैसा जमा कर दीजिए और आपको 3 महीने में बोनस मिलेगा 15 लाख, एक मुश्त मिल जाएगा। फिर हमने उन्होंने के अनुसार पंजाब बैंक चेक से लगातार पैसा जमा करते गए, 9,20,000 जमा कर चुके हैं। जब पीड़ित ने आरोपी को फोन कर पैसे वापस करने को कहा तो उन्हें धमकियां मिली। उसके बाद हमने कहा हमारे पास पैसा वापस कर दो, क्योंकि मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपया और जमा करने पड़ेंगे तब आपको 15 लाख मिलेंगे। तो मैंने कहा मतलब आप पैसे घुसे नहीं है, आप हमारे तुरंत पैसा जितना है उतना आप रिटर्न करते हैं। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर धमकी दी और कहा कि आपको पैसे वापस। जिसके बाद
पंडित ने पूरा मामला पुलिस को बताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका है। मुझे ये लग रहा है कि पूरा एक गैंग टाइप का है, एक गैंग क्या कई गैंग हो सकते हैं जो काम करते हैं, इस तरह की चीजें करने का कोशिश कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। ललितपुर में पिछले 10 दिनों में कई मामले ऐसे आए हैं, मेरे द्वारा सभी में FIR कराई जा रही है और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा गैंग है। इसमें जब भी जो भी आगे निकल के आएगा तो एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस ठगी के पीछे एक बहुत बड़े गिरोह का हाथ है, क्योंकि जिस नंबर से डॉक्टर के पास फोन आया था वो नंबर नक्सल प्रभावित इलाके का है। हमें कॉल डिटेल्स के आधार पर पता चला है केवल, तो हम उसमें टीम अपनी भेजेंगे और वास्तविक स्थिति का पता करते हैं। पूरे डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत जो चल रहा है और जैसे ही ये मामले सामने आएंगे तो उस पर उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठगी की घटना सूबे में आम हो चुकी है, क्या शहर और क्या गाँव, जालसाज भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सावधानी की, क्योंकि आपकी एक गलती आपको लाखों का चूना लगा सकती है। अमित सोनी, जी मीडिया, ललितपुर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कलयुगी प्रोफेसर के छात्रों ने जमकर खबर ली। संगीत विभाग में पदस्थ प्रोफेसर धर्मपाल पर छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। इसके बाद नाराज छात्र छात्राएं प्रोफेसर के आवास पर पहुंचे तो वहां प्रोफेसर किसी और छात्रा के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद छात्र प्रोफेसर को अर्धनग्न हालत में पीटते हुए थाने तक ले गए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। अलीगढ़ में MU की पूर्व छात्र नेता असमा जावेद की हत्या गला घोटकर की गई है। खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। उधर इस मामले में नाम सामने आने के बाद गोल्डन होटल के मालिक अकरम ने सफाई दी है। अकरम ने कहा है कि असमा और उसके बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ लोगों ने असमा को भड़काकर मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। हालांकि कोर्ट ने इस केस को लेकर समझौता हो गया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में MU की छात्र नेता असमा जावेद का शव अपने ही फ्लैट में मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मथुरा में इंडियन ऑयल के गेस्ट हाउस में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव गेस्ट हाउस की छत से मिला। मृतक की शिनाख्त ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत दिनेश के रूप में हुई है और वो आगरा में तैनात था। बताया जा रहा है कि दिनेश शाम को कल गेस्ट हाउस में आया था और खाना खाने के बाद छत पर सो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये रहस्य अब तक बरकरार है। जगह कोतवाली इलाका मथुरा। दिन गुरुवार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के गेस्ट हाउस परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब गेस्ट हाउस की छत पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। युवक की पहचान आगरा निवासी दिनेश शर्मा के रूप में हुई है, जो आगरा में ही ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत था। फिलहाल मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और जांच की मांग की है। ये मेरे पिताजी कल ऑफिस के कार से आए थे डांक लेके, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे सूचना मिली है सुबह फोन पे, कैसे ऐसे तबीयत खराब है। मैंने जिया जी बुलाए, अपने जिया जी आए हैं, उसके बाद पता पड़ा है यहाँ देखा है, तो ये हादसा हुआ। IUC के गेस्ट हाउस की छत पर शव मिलने की खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। सबकी जुबान पर बस यही सवाल है कि दिनेश की क्या किसी ने हत्या की या उसकी मौत शराब पीने से हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने राजू चौहान नाम के एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। IUC गेस्ट हाउस के चौकीदार और गेस्ट हाउस कर्मचारी के मुताबिक राजू ही वो शख्स है जो शाम के वक्त दिनेश के साथ था। दोनों ने साथ साथ खाना खाया और शराब पीने के बाद एक साथ छत पर सोने चले गए थे। ये शाम को 4:40 पे यहाँ आए थे गेट पे। आते ही इन्होंने गेट पे ब्रेक लगाई, लेकिन न हो सकता है न लगी हो, तो गेट में पहिया इसका लगा। मैं बोला फोन है भाई, गेट को तोड़ेगा कि अंदर था। मैं आया तो मैंने सोचा मैं पहचान वाला है। बोला कि आंसू तो है नहीं भाई यहाँ। बोला हमारी बात तो हो गई है, आंसू आ रहा है। दो दो तीन तीन महीने के मतलब कभी कभी एक बार
तो कल आए, मतलब जो मैं था नहीं यहाँ पर, मेरे पीछे से आए, तो यहाँ पर वो मतलब मेरे पास फ़ोन किया उन्होंने कि मैं तुम्हें गेस्ट हाउस में हूँ, उन्हें बोला। तो मैं आया रात को 8:30 बजे आया, तब से मतलब इन लोग यहीं बैठे हुए थे, थोड़ा सा पिए, ड्रिंक वगैरह लगा रखे थे दोनों ने। और उसके बाद मैंने रात को खाना साना बना के खिलाया, और उसके बाद सर मैंने उनको दोनों को ऊपर छत पे सुलाया सर, उसके बाद मेरे को कोई मालूम नहीं सर। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। फिलहाल इंतजार है तो बस उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसके आधार पर ही मौत की असली वजहों से पर्दा उठ पाएगा। विपेंद्र सिंह, जी मीडिया, मथुरा। और अब बात सौतेले बेटे के सितम की। मेरठ में एनएएस कॉलेज की हिंदी प्रवक्ता कौशल रानी को कॉलेज जाते वक्त सरेरा गोलियों का निशाना बनाया गया। कत्ल की इस वारदात को उनके सौतेले बेटे वरुण ने अंजाम दिया, जो पहले भी कत्ल की कोशिश कर चुका था, लेकिन इस बार वरुण ने सीधे कौशल रानी के सिर में गोली मारी और फरार हो गया। मेरठ के एनएएस इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद पुलिस की टीम और घटनास्थल पर फैले खून के ये धब्बे उस वारदात के गवाह हैं, जिसने इंसानी दुनिया में रिश्तों के टूटती डोर और उसके खौफनाक अंजाम को एक बार फिर सरेआम कर दिया है। दिन दहाड़े जहां एनएएस कॉलेज के हिंदी की प्रवक्ता कौशल रानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक कॉलेज के स्टूडेंट्स बाहर निकले, हमलावर फरार हो चुका था। किसी तरह कॉलेज कर्मचारियों की मदद से कौशल रानी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने कौशल रानी को मृत घोषित कर दिया। हम लोग तो बंद प्रेयर करा रहे थे, प्रेयर हुई, एक बच्चे ने आगे बताया कि बाहर जो कौशल मैडम को गोली मार दी। हम लोग भाग के गए, देखा, फिर उसके बाद में गाड़ी उठाई, गाड़ी में उठा के हम और अजीत हमारे बाकी साथियों ने उठा के हम लोग जो है हॉस्पिटल ले गए, सुशीला जसवंत राय में गए, और जसवंत राय में जो है डेथ हो गई। परिजनों और चश्मदीदों के मुताबिक कौशल रानी की हत्या को किसी और ने नहीं, बल्कि उनके सौतेले बेटे वरुण ने अंजाम दिया है। आरोपी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब रोज की तरह कौशल रानी अपने घर से निकलकर कॉलेज जा रही थी, तभी कॉलेज के बाहर घात लगाए आरोपी ने उनके सिर पर गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। ये कॉलेज आ रही थी अपने घर से, कॉलेज गेट के पास में ही पैदल आते समय इनको गेट पर एक व्यक्ति, जिसे अब इनके परिजन बता रहे हैं कि पहले भी अटेम्प्ट कर चुका है, इनके परिवार का ही सदस्य है, तो उसके द्वारा इस पर अटैक किया गया और इसको राइट हैंड में कंपटी पे एक गोली लगी है। अब ये तहरीर प्राप्त की जा रही है, अभी हमारी टीम लगी हुई है इनके बताए गए तथ्यों के आधार पर, तो हम उसकी पकड़ धकड़ में लगे हैं। हमारी टीमें, दो टीमें रवाना हो चुकी हैं और तत्काल उसको हम पकड़ करके और तहरीर प्राप्त करके और जो तथ्य है उसके आधार पर हम तत्काल कार्रवाई करने जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी कौशल की तलाश में जुट गई है। वहीं मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि इससे पहले भी वरुण ने कौशल रानी पर जानलेवा हमला किया था, तब सबने बेटे की रंजिश को आपस में सुलझाना ही बेहतर समझा था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। हालांकि इस घटना के पीछे के असली वजहों का खुलासा तो तभी हो पाएगा जब आरोपी पुलिस के शिकंजे में होगा। राजीव शर्मा, जी मीडिया, मेरठ। मैनपुरी में नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी तांत्रिक की लोगों ने जमकर पिटाई की, सिर मुंडवाकर उसे चौराहे पर घुमाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला यहां के दुन्नाहार थाना क्षेत्र के कूड़ाहारा गांव का है। पीड़िता को जादू टोने के इलाज के लिए उसकी मां शिकोहाबाद के रहने वाले यामीन नाम के तांत्रिक के पास लेकर गई थी। तांत्रिक यामीन ने इलाज के नाम पर लड़की के हाथ पैर बांध दिए और फिर उसके साथ रेप किया। इतना नहीं, तांत्रिक ने पीड़िता की मां को बेटी के इलाज के लिए चुपचाप रहने की हिदायत दी थी। पीड़िता ने तांत्रिक के चंगुल से छूटने के बाद पिता को पूरी जानकारी दी। परिजनों ने गांव वालों के साथ मिलकर तांत्रिक यामीन की जमकर पिटाई की, सिर मुड़वाकर चौराहे पर घुमाया। पुलिस ने रेप के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर दिया।
मुजफ्फरनगर के मसूरपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रा को थप्पड़ जड़ने का आरोप लगा है। घटना से नाराज छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। छात्रों ने गुरुवार को कई घंटों तक नेशनल हाईवे 58 पर जाम भी लगाया। नर्सिंग की छात्राओं ने बिराजपुर में बने मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इमरान खान पर छेड़छाड़ और अश्लील पंक्तियां कसने का आरोप लगाया। छात्रों ने प्रिंसिपल पर उनके मोबाइल पर बात करने और उसे पीटने और 500 रूपये देकर लौटाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज यूपी सरकार में मंत्री चितरंजन स्वरूप का है। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद छात्रों को समझाकर शांत किया। पुलिस के मुताबिक किसी तरफ से केस दर्ज नहीं कराया गया। लड़के लड़कियों ने हंगामा किया, सूचना पर पुलिस पहुंची है और सभी लड़के लड़कियों को समझा बुझाकर यहां से भेजा गया।